लखनऊ की एक महिला जिन्होंने अपने घर के कमरे में एक मनी प्लांट को इतना बड़ा बना दिया कि इसे दर्ज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी अपने यहाँ इसे दर्ज कर लिया है। इस मनी प्लांट की लंबाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब ये 44 फीट तक पहुंच गया है। इसे मैंने कोविड टाइम में 2020 में अपने रूम में लगाया था, और क्योंकि मैं गुड़गांव में रहती थी उस टाइम पे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, तो सब लोगों ने एयर प्यूरीफायर लगाने के लिए मुझे सजेस्ट किया, तो मुझे लगा एयर प्यूरीफायर से बेटर है कि मैं अपने घर में प्लांट लगाऊं। तो ये कुछ प्लांट्स जैसे पीस लिली, मनी प्लांट, ये इंडोर प्लांट्स मैं अपने घर में लाई और मैंने इन्हें लगाया, और लगाते लगाते मुझे इनसे इतना प्यार हो गया कि धीरे धीरे ये मेरी फैमिली के मेम्बर टाइप बन गए। और फिर रिकॉर्ड कब दर्ज हुआ इसका? इसका रिकॉर्ड लास्ट ईयर 2023 में दर्ज हुआ, जब 21 अप्रैल को NBRI से कुछ लोग आए और उन्होंने इस प्लांट को मेयर किया, तो इसकी लेंथ 38.4 थी, जो कि अपने आप में एक अमेजिंग था, तो उसी बेसिस पे इसको रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई है? अभी इसकी लंबाई लगभग 44 फीट 44 फीट हो गई है। इस मनी प्लांट को लगाने वाली महिला का नाम है सपना, जिन्होंने इसे कोविड-19 के दौरान 2020 में अपने घर में लगाया था। उनके बेटे हिमांक ने उन्हें इस आइडिया के लिए प्रेरित किया। हिमांक ने नेट पर रिसर्च करके जाना कि मनी प्लांट की कितनी लंबाई हो सकती है, और जब उन्होंने देखा कि उनके घर पर इसे लगाना संभव है, तो उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने का निर्णय लिया। आपके दिमाग में ये था कि इसको इतना बड़ा करते हैं, कुछ अलग करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा था, बट वो तो जब इतना अच्छा ग्रो होने लगा तो एक दिन मेरे बेटे ने ही मुझे सजेस्ट किया कि मुझे इसको जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में डालना चाहिए, और जब मैंने डाला तो वो सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, बेटे ने आपको आइडिया दिया? हाँ जी, मेरे बेटे ने, हिमांक। अच्छा, तो उसने बताया, उसके बाद आपने अप्लाई किया? हाँ जी, हाँ जी, उसने मुझे बोला कि मम्मा ये इतना लंबा हो गया है, तो हम इसे दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन दे सकते हैं, तो हम क्यों ना इस प्लांट को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करें, तो फिर हमने अप्लाई किया। मैम, NBRI की टीम यहाँ कब आई थी? NBRI की टीम लास्ट ईयर 21 अप्रैल को ही आई थी। सपना ने बताया कि उन्होंने इस मनी प्लांट को धूप मिलने वाले कमरे के पास रखा और उसमें कभी भी किसी भी तरह के पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इसे बढ़ाने के लिए बादाम का पानी, कॉफी का पानी और हेल्दी जैसे ऑर्गेनिक खाद से पोषण दिया। इसको आप मेंटेन कैसे करते हैं, क्योंकि कमरे में ये अभी भी बिल्कुल सही तरीके से सारी पत्तियां इसकी हरी हैं। इसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने इसे ऐसी खिड़की के पास रखा है जिसमें सुबह सुबह की धूप इस पौधे को मिलती है। उसके साथ साथ में मैं इसमें कोई भी आर्टिफिशियल या इनऑर्गेनिक खाद नहीं डालती हूँ। मैं इसमें सिर्फ नेचुरल अपने घर के ही सामान को यूज़ करती हूँ, जैसे कभी कभी एक चम्मच हल्दी या एक चम्मच कॉफ़ी पाउडर, या समटाइम्स आप सुबह सुबह जो बादाम खाते हो भिगो के रात में रखते हो, उसका जो पानी होता है वो मैंने इसे सबसे ज़्यादा दिया है। यही ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने यूज़ करके इस पौधे को अपने घर में रखा है। आपको बता दें, आज ये 44 फीट का हो गया है। सपना ने बताया कि मनी प्लांट लगाने से कमरे का तापमान भी अपने सामान्य तापमान से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। मनी प्लांट उनके घर में एयर प्यूरिफायर का भी काम करता है। लोकल 18 लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।